अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू एस बी एफ एमेंटो। और आज की वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान नेवी की सिविलियन की वैकेंसीज़ को, और इसके अंदर अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो है मिडल और मैट्रिक तक। और इसके अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 26 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक। और हाँ, ये एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनकी एजुकेशन मैट्रिक है, और मैट्रिक के अंदर उनकी परसेंटेज भी कम है, यानी कि जब उन्होंने क्राइटेरिया के अंदर मेंशन नहीं किया किसी जगह पे भी कि मैट्रिक के अंदर आपकी परसेंटेज क्या होनी चाहिए या फिर आपके मार्क्स क्या होने चाहिए, यानी कि अगर आप लोगों ने मैट्रिक साइंस के साथ किया है या फिर अगर आपने मैट्रिक आर्ट्स के साथ किया है तो आप लोग इसके अंदर आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, नंबर वन थिंग। नंबर टू ये चीज़ है कि उन्होंने मेंशन नहीं किया कि आप साइंस के साथ हो या फिर आर्ट्स के साथ हो, तो इस लिहाज से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनकी एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है या फिर वो जो है पढ़ने में इतना अच्छे नहीं है या वो अपनी जो है एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं रख पाए हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, 6 किस्म की वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। नंबर वन पे है पुलिस कॉन्स्टेबल, नंबर टू पे है लेडी पुलिस कॉन्स्टेबल, नंबर थर्ड पे है एमटीडी ड्राइवर। और ये जो एमटीडी ड्राइवर है ये फायर ब्रिगेड का है। फायर ब्रिगेड ऐसे सेक्शन को बोलते हैं जो कि आग बुझाने का काम करते हैं। नंबर फोर पे है एमटीडी ड्राइवर अगेन, नंबर फाइव पे है मौज़न, नंबर सिक्स पे है खादमी मस्जिद। अभी इन तमाम गंसीज को मैं वन बाई वन डिस्कस करूँगा डिटेल के साथ। अच्छा, नंबर वन पे जो पुलिस कॉन्स्टेबल है उसके लिए आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 से लेकर 25 साल तक। उसके अंदर मैट्रिक एजुकेशन रिक्वायर्ड है। कद आपका होना चाहिए 5 फीट 7 इंचेस, और आपकी जो आई कंटेक्ट है, जो आपकी नज़र है, वो बिल्कुल 6x6 यानी कि परफेक्ट होनी चाहिए। नंबर टू पे है लेडी पुलिस कॉन्स्टेबल। इसके अंदर सिर्फ लेडीज़ अप्लाई कर सकती हैं, और ये एक वह शोबा है इस वैकेंसीज़ के अंदर जिसके अंदर लेडीज़ भी अप्लाई कर सकती हैं। एज लिमिट अगेन 18 से 25 साल तक है, मैट्रिक एजुकेशन रिक्वायर्ड है, और आपकी हाइट जो है होनी चाहिए 5 फीट 2 इंचेस, और नज़र अगेन एक्यूरेट 6x6 होनी चाहिए। नंबर थर्ड पे है जी एमटीडी ड्राइवर, फायर ब्रिगेड का ड्राइवर होगा ये, और इसके अंदर आपकी एज लिमिट है अप्लाई करने के लिए 18 से 40 साल तक, और इसके अंदर एजुकेशन रिक्वायर्ड है मिडिल पास। नंबर वन जो कंडीशन बता रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, एलटीवी एचटीवी, और ट्रेड का टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन की जाएगी। नंबर टू पर वो बता रहा है कि मैट्रिक पास वाले बंदे को तरजीह दी जाएगी और उसके पास एचटीवी का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। नंबर फोर पर है एमटीडी ड्राइवर, इसके अंदर एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल तक, और मिडिल पास एजुकेशन रिक्वायर्ड है इसके लिए भी, और एचटीवी एलटीवी का लाइसेंस रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास है तो आपका ट्रेडस भी लिया जाएगा। इसके बाद कहता है वो तरजीह उन लोगों को दी जाएगी जिनकी एजुकेशन मैट्रिक है और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है एचटीवी का। नंबर फाइव है मौज़न की, इसका बेसिक पे स्केल है 5, एज लिमिट है इसके अंदर 18 से लेकर 30 साल तक, और मैट्रिक वाले बंदे को और हाफिज़े कुरान को तरजीह दी जाएगी सिलेक्शन के लिए। नंबर सिक्स पे है खादमी मस्जिद, अगेन इसके लिए बेसिक पे स्केल है 5, 18 से लेकर 30 साल तक एज लिमिट चाहिए, मैट्रिक चाहिए और हाफिज़े कुरान चाहिए जी। अभी जो आप लोगों की सिलेक्शन है ये 6 स्टेप पे मुकम्मल होगी। नंबर वन पे आप लोगों का तहरीरी इम्तिहान होगा, यानी कि रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होगा, अमली इम्तिहान होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका तिब्बी मायना किया जाएगा, यानी कि आपका आप लोगों का मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आप लोगों का पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाएगा। पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद फाइनल मेडलिस्ट बनेगी, उसके बाद आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। फिर आगे वो चंद पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करता है कि नंबर थ्री पे जो वैकेंसीज हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ लेडीज़ अप्लाई कर सकती हैं, इसके अलावा कोई ख़ास बात इसके अंदर नहीं है, तो आप लोग इसको बाद में अच्छे तरीके से गौर से पढ़ सकते हैं। मैं इस ऐड को अपने फेसबुक पेज के ऊपर भी अपलोड कर दूँगा। हाँ, वो अभी यहाँ पर वो मैंशन करता है कि वो लोग जिन लोगों का तहरीरी इम्तहान का टेस्ट होगा उसके अंदर क्या कुछ होगा, आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा, जनरल नॉलेज का टेस्ट होगा, और प्रोफेशनल यानी कि जिस चीज़ के अंदर आपने अप्लाई किया है, मसलन अगर आप लोगों ने अप्लाई किया है ड्राइविंग के अंदर, तो आप लोगों का उसके लिहाज से प्रोफेशनलिज्म का टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा आप कोई ख़ास चीज़ इस बात के अंदर नहीं है। बाकी यहाँ पे वो ये चीज़ मेंशन कर रहे हैं जी कि जब आप लोगों ने जाना है तो आप लोगों के पास 200 रुपीज़ का पोस्टल ऑर्डर होना चाहिए, वो आप वहाँ पर जमा करवाएंगे। इसके अलावा आपकी
जो तहरीरी इम्तिहान होगा उसकी डेट है 10 से लेकर 13 अगस्त 2021 तक तहरीरी टेस्ट होंगे। इसके बाद जो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे वो 6 से लेकर 17 सितंबर तक हो सकते हैं। और रिक्रूटमेंट सेंटर्स जो हैं जहाँ पे आप लोगों के टेस्ट लिए जाएंगे वो हैं कराची है, हैदराबाद है, ग्वादर है, लाहौर और रावलपिंडी वगैरह है। ठीक है, और कोई ख़ास चीज़ इसके अंदर नहीं है। जेंटलमैन से ये थी आज की वीडियो, और आप लोगों ने अप्लाई करना है इस लिंक के थ्रू। और हाँ, अगर आप में से कोई बंदा इंटरेस्टेड है इन वैकेंसीज के अंदर अप्लाई करने के लिए, तो हमारी अकेडमी के अंदर यानी कि शीन ब्रास फोर्सेज अकेडमी जो कि टोबा टेक्सिंग के अंदर है, इसके अंदर ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं। और अगर कोई बंदा इंटरेस्टिंग है तो हम लोगों से कोचिंग ले सकता है ताकि उसकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँ, नंबर वन थिंग। नंबर टू ये है कि अभी फ़िलहाल मिट्टी कॉलेज झेलम, सरोदा कैडेट कॉलेज और लोअर टोपा कैडेट कॉलेज की क्लासेस हमारे एकेडमी के अंदर जा रही हैं। इसके अलावा जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर अभी वैकेंसीज चल रही हैं उन सब के लिए रेगुलर क्लासेस अकेडमी में जा रही हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।